और इस वक्त आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर लेफ्ट का धरना प्रदर्शन चल रहा है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, और बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता लेफ्ट के जुड़ रहे हैं प्रदर्शन के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक बड़ा एरिया है जहां पर इस वक्त हावड़ा का ये इलाका जहां पर लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन, और ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है ममता सरकार के खिलाफ। लंबे वक्त से हमने देखा है कि लेफ्ट और ममता सरकार की आर पार की लड़ाई जारी रहती है, लेकिन आज ये प्रदर्शन करने के लिए लेफ्ट के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं हावड़ा का ये इलाका, और यहाँ पर पूरे लाल लश्कर के साथ पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लाठी डंडे भांजे जा रहे हैं इस वक्त भी कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो लोग एक तय सीमा से आगे आ रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस आगे की ओर खदेड़ती हुई, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और वहां पर इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है हावड़ा इलाके में, वो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प दर्शाता है। विरोध प्रदर्शन ये लेफ्ट का, लेफ्ट के कार्यकर्ता भी इसमें हैं और आम जनता भी इस प्रदर्शन में दरअसल शामिल हुई है। ये प्रदर्शन ममता सरकार के खिलाफ हावड़ा इलाके में किया जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल देखिए, इसमें काफ़ी लोग चोटिल होते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन ये वो अंतिम तरीका होता है जिससे भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की जाती है। जब बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, तो भीड़ को काबू में करने के लिए इस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है इस वक्त हावड़ा इलाके में, जहाँ पर लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल के इस इलाके में वहाँ पर तनाव इस वक्त भी बरकरार है। मनोगया लोहिवाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है आज के विरोध प्रदर्शन की, कितनी संख्या में वहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद हैं, और ताज़ा हालात, ताज़ा स्थिति क्या है? जी, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और आज नबानवे मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय के खिलाफ ये अभियान था, जिसमें पहले तो लोगों ने वहां पर पहुंचने की कोशिश की, और फिर पुलिस ने लगातार जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठियां भांजी हैं, तो कहीं टीयर गैस के गोले छोड़े हैं, और इन सबके बीच में लगातार लाठीचार्ज हुआ है। कल भी हमने देखा, पहले एक दो दिन से लाठीचार्ज हो रहा है, उसके बाद अभी फिर एक बार मुख्यमंत्री के सचिवालय के खिलाफ अभी तक जितने भी निकले, यूं कहें जुलूस निकले हैं या आंदोलन हुए हैं, उनमें हमेशा उन्हें रोका गया है। और आज फिर एक बार राजनीति सड़कों पर नजर आ रही है, जहां पर एक ओर एक के बाद एक लाठियां भाग रही है पुलिस, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है जितने भी प्रदर्शनकारी। मनोगया, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, और इस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है लोगों को खदेड़ने के लिए, ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण, और ये मुख्य इलाका हावड़ा का, ऐसे में वहाँ पर किस तरह की तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से? पुलिस ने काफी सारी तैयारियां की थी, एक और जहां टीयर गैस का इंतजाम है, तो वहीं आंसू गैस के गोले छोड़े की तैयारियां हैं, वाटर कैनन की तैयारियां हैं, और लाठियों की हर एक बार चार लेयर सिक्योरिटी के साथ साथ चार लेयर ऑफ प्रोटेस्ट को रोकने की तैयारी भी की जाती है। इन सबके बीच में पहले लाठियां, उसके बाद वाटर कैनन, उसके बाद आंसू गैस के गोले। लेकिन पिछले दो दिनों में कोलकाता में प्रदर्शन हुआ, पहले भारतीय जनता पार्टी का सीएसटी के मूल्यवृद्धि के खिलाफ, और उसके बाद फिर आज ये नवान्नो अभियान करके जो पूरा प्रेजेंट के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में समानता और असमानता काफी है। लेकिन पुलिस की ओर से जो तैयारी रहती है प्रशासन की ओर से कि मुख्यमंत्री सचिवालय के आसपास तक नहीं पहुंचने दिया जाए विरोध प्रदर्शनकारियों को, इसकी पूरी तैयारी। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से पुलिस प्रशासन की जबरदस्त तरीके से तैयारी की गई है। मनोगया भी हमारी
संवाददाता जानकारी दे रही थी कि वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं अगर स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होती है। लेकिन कई लोगों को देख सकते हैं आप कि किस तरह से खदेड़ा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर इस वक्त लेफ्ट के कार्यकर्ता मौजूद हैं और स्थिति तनावपूर्ण इस वक्त भी बनी हुई है। लोगों को काबू में करने के लिए और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनोज, अब ताज़ा स्थिति क्या है वहाँ पर? पोस्टर बैनर के साथ ये तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, मांगे इनकी क्या है? ममता सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश क्यों देखा जा रहा है? कि अब तक भारतीय जनता पार्टी, वाम मोर्चा दोनों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। आज भी वाम मोर्चा का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है नवान्न अभियान के लेकर, जिसमें 1,000 सैकड़ों समर्थक एक जगह शामिल हुए हैं और इन सबके बीच में विरोध की कई मांगे हैं। पहला सीएससी की डिमांड थी, दूसरा जो कर्मचारी पोलिटिकल कर्मचारी मर रहे हैं, उनकी जो कर्मी मर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की कवायद थी। और इन सबके बीच में अगर हम कहें कि जो ताज़ा हालात हैं इस समय, जहाँ पर लगातार लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी विरोध। मनोगी, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है और जिस तरह से तमाम यहाँ पर लोग जुटे हैं, ये अलग अलग संस्थानों और अलग अलग व्यवस्थाओं के हैं जिनकी मांग है कि उनके वेतन को लेकर या फिर जिस तरह से उनकी बहाली की जाती है उसको लेकर वो नाखुश हैं और यही वजह है कि आज का ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ममता सरकार के खिलाफ। इसमें लेफ्ट के तमाम कार्यकर्ता तो मौजूद हैं लेकिन वो कर्मचारी भी मौजूद हैं जो अपने जो जॉब है उसकी व्यवस्था को लेकर नाखुश हैं। काफ़ी लंबे समय से उनकी मांगे रही हैं और ये मांगे जब पूरी नहीं हुई तो इस तरह का प्रदर्शन आज वहाँ हावड़ा इलाके में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त तरीके से इस वक्त पुलिस और ये लोग आपस में भिड़े हुए हैं। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर एक तरह से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है और सभी को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले कभी छोड़े जा रहे हैं, कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस बल की भी पूरी तैनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित है और बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महंगाई भी एक मुद्दा है जिसे लेकर आज का प्रदर्शन जारी है। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ममता सरकार को यहां पर घेरने की तैयारी।